जिनके सीने में श्री राम है, जिनके चरणों में सभी धाम है, जिनके लिए सब कुछ दान है, अंजनी पुत्र हाँ वही हनुमान है। जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के एक ऐसे चमत्कार से रूबरू करवाने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। यह घटना सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें हनुमान जी ने किस तरह अपने भक्त की किस्मत बदल दी, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर पूर्ण श्रद्धा के साथ जय श्री राम लिखें ताकि वीडियो की शुरुआत ही अच्छी हो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर कौन सी है ये घटना और कैसे श्री हनुमान जी ने अपने चमत्कार से रातों रात ही अपने भक्त की किस्मत बदल दी और उसे वो सब दिया जो उसकी इच्छा थी। आइए जानते हैं यह सच्ची घटना। नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति है और मैं बेंगलुरु की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी बहुत ही धार्मिक हैं और रोज सुबह शाम मंदिर जाती हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब वो मंदिर नहीं जाती। यहाँ तक कि बिना पूजा पाठ किए वो पानी तक नहीं पीती। लेकिन आधुनिक सोच के कारण मैं इन सब बातों को नहीं मानती थी और बिल्कुल भी पूजा पाठ या किसी भी धार्मिक काम में मेरा ध्यान नहीं रहता था। और कुछ ऐसा हाल मेरे पापा का ही था। वो मम्मी के नाराज होने के लिए पूजा में बैठते थे पर बिना मन के, और हमारे ग्रंथों में ये बात कही गई है जिस काम में मन ना लगे वो काम नहीं करना चाहिए। वैसे तो मम्मी सभी भगवान को बराबर मानती थी पर विशेष रूप से वो हनुमान जी को बहुत मानती। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरा कॉलेज खत्म होने को आ गया और मुझे नौकरी की चिंता होने लगी। कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आने लगी पर मेरा किसी भी कंपनी में जॉब नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से मैं चिड़चिड़ी हो गई थी। और इसी वजह से एक दिन मैं जब मम्मी मंगलवार के दिन पूजा कर रही थी तो उन पर चिल्ला पड़ी और घर से निकल गई, और गुस्से की वजह से मम्मी ने भी पूजा करना बंद कर दिया। उसके बाद तो जैसे हमारे घर में दुखों का पहाड़ आ गया। मेरा भाई जो दिल्ली में रहता था वो एकदम से काफी बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने उसको दिल की बीमारी बता दी तथा वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। अभी भाई हॉस्पिटल में ही था कि पापा का भी एक्सीडेंट हो गया, जिससे हम परेशान थे और एक्सीडेंट की वजह से परेशानी और बढ़ गई। लेकिन अभी ये परेशानी चल ही रही थी कि पापा और भाई के हॉस्पिटल में होने की वजह से टेंशन में मम्मी भी बीमार रहने लगी और डॉक्टर ने उन्हें चिंता ना करने के लिए कहा। घर में एक एक करके सबके बीमार पड़ने से मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई। मुझे बहुत ही गलत और खराब ख्याल आने शुरू हो गए। फिर एक दिन घर के पास रहने वाली एक आंटी ने सारी बात पूछी तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है उस दिन पूजा करते समय मम्मी पर चिल्लाना और उसके बाद मम्मी का पूजा पाठ न करने से हनुमान जी नाराज हो गए, क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसा कहते हैं कि भगवान जी की पूजा करते समय किसी को रोकना या टोकना या चिल्लाना नहीं चाहिए क्योंकि उस समय भगवान स्वयं मौजूद होते हैं। पता नहीं क्यों मुझे उनके बात का गहरा असर हुआ और मैंने हनुमान जी की पूजा करने का निर्णय कर लिया और अगले दिन मैंने पूरे श्रद्धा और भाव से हनुमान चालीसा और हनुमान मंत्र का सुबह शाम जप करना शुरू कर दिया। और इसके साथ ही मैंने अब मंगलवार के दिन हनुमान जी के व्रत रखने भी शुरू कर दिए, जिसका असर धीरे धीरे मुझे दिखना शुरू हो गया। पूजा करने के एक महीने बाद ही मेरा गुड़गांव की एक बड़ी अमेरिकन बेस्ड कंपनी में सिलेक्शन हो गया, जिससे मैं खुश रहने लगी और हनुमान जी पर विश्वास था और गहरा हो गया। धीरे धीरे पापा भी ठीक हो गए और हॉस्पिटल से घर आ गए, और 3 महीने के बाद भाई भी एकदम से ठीक हो गया। लेकिन उसके ठीक होने से सबसे ज्यादा आश्चर्य डॉक्टर थे, क्योंकि जब उन्होंने कहा उसको दोबारा सारे टेस्ट किए तो उसकी सारी बीमारी ठीक हो गई थी और उसकी दिल की बीमारी के लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे थे। पापा और भाई के ठीक होकर घर आने के बाद मम्मी की तबीयत भी सुधर गई, क्योंकि अब उन्हें किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी। मैं भी ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद चली गई, लेकिन आज भी प्रतिदिन सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान मंत्र का जाप किए बिना मैं नहीं रह पाती, और इसके बाद ही मैं कुछ खाती पीती हूँ। और मम्मी ने भी दोबारा पूजा पाठ शुरू कर दिया है और पापा जो कि पहले बेमन से पूजा में बैठते थे अब तो खुद मम्मी से पहले पूजा करने आ जाते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को सिर्फ इतना कहूंगी कि आज के आधुनिक सोच के कारण हम अपनी धर्म संस्कृति भूलते जा रहे हैं, पर सच में भगवान है और इस बात को आज मैं पूरे अनुभव के साथ कह सकती हूँ। इसीलिए आप भी हनुमान जी या आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसकी पूजा पूरे श्रद्धा से कीजिए। तो दोस्तों, ये थी कृति की कहानी उन्हीं की जुबानी। अगर आपके पास भी कोई इससे जुड़ी हुई यानी कि भगवान हनुमान से जुड़ी हुई कोई खास कहानी है या सच्ची घटना है जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में
अवश्य हमें बताएं। और दोस्तों, कहते हैं ना, सच्चे दिल से भगवान को याद करने से और नित्य कर्मों से उनकी पूजा करने से भगवान हमेशा ही खुश होते हैं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। धन्यवाद।